share with another screen. Can you see the screen? Yes, sir. So now next topic we're going to learn the various steps of operations on CNC turning center, how to follow the steps and structure of on CNC machine. So aaj ka ye session mein hum dekhenge ki steps kya kya seekhna hai. Parametric solution ke bare mein thoda brief deta hu. Parametric solution jo hai na ISO 9001 2008 certified training center hai. And we are affiliated with the Indian Technical Education Society, Mumbai. And also we are member for ISRAE. ISRAE is the Indian Society for Heating and Ventilation, Refrigeration, Air Conditioning Engineers Society. Member of IGBC, that is Indian Green Building Council. Professional Engineering course में आपको CNC lathe turning machine. तो इसमें पहला जो प्रोसेस प्लान के हिसाब से आपको जो है ना ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए. इससे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको जो दिखाया मैंने ड्राइंग के बारे में कि सिलेंड्रिकल जॉब कैसा रहता है और उसमें स्टेप टर्निंग रेडियस जो था चैम्पर था बॉडी देन आईडी प्रूविंग कैसा करना है. ठीक है, तो ये सारा जो है ड्राइंग समझ के लेंगे तो आप जो है ना इजिली कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल सकते हो, प्रोग्रामिंग लिख सकते हो. तो रीडिंग अ ड्राइंग इज इम्पॉर्टेंट. मीन्स वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द इट्स अ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग. ठीक है, मैकेनिकल ड्राइंग्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो? यस सुखदीप, क्या क्या जानते हो एज अ ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग्स में? Can you hear me? Yes, sir. अभी तो याद नहीं. याद नहीं. Okay. See, mechanical draftsman is all about like a drawing, orthographic drawing and isometric 3D model, 2D and 3D. So 2D में जो है drawings जो है सिंगल लाइन डायग्राम से जो है टॉप व्यू या फ्रंट व्यू साइड व्यू से जो है ना ड्राइंग को समझाया गया रहता है और उस ड्राइंग से जो है हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को निकाल सकते हैं और ड्राइंग में जो है सरफेस फिनिश कितना रहना चाहिए एंड लाइक टेपर कितना रहना चाहिए रनआउट कितना रहना चाहिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल फीचर्स एंड डायमेंशन सब मेंशन किया हुआ रहता है और डायमेंशंस लाइक आउटर डायमीटर इनर डायमीटर लेंथ विड्थ और ग्रू का साइज थ्रेड का साइज देन लेंथ विड्थ ये सारा डायमेंशन जो है ना ड्राइंग में डिटेल में दिया हुआ रहता है. इफ इट इज द ड्राइंग जो है ना उसको डायमेंशन नहीं दिया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना जो आपका साइज से कट करना है. डायमेंशन इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायमेंशन के साथ में जो है ना टॉलरेंस भी रहता है. टॉलरेंस इन द सेंस लाइक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना रहना चाहिए मिनिमम डायमेंशन कितना रहना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल 50 मेजर डायमेंशन रहा तो 50 के ऊपर जो है ना प्लस और माइनस 0.1 करके रहता है. तो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल कंपोनेंट पार्ट के लिए जो है टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच हैज मेंशनड अबो. तो उसके लिए देखो 50 का डायमेंशन रहा तो 50 प्लस और माइनस 0.1 ऐसा डायमेंशन आपने देखा रहेगा. इसका मतलब क्या होता है कि 49.9 से लेके 50.1 तक डायमेंशन है. तो इसको जो है दिस पर्टिकुलर इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट मतलब डायमेंशन. सो जो डायग्राम ऐसा रहा तो ये जो है ना डायमेंशन इधर से इधर तक जो है ना आइदर 49.9 से लेके 50.51 के अंदर मशीनिंग होगा. क्योंकि मशीनिंग जब करोगे तो आपका मैनुअल कुछ वेरिएशन हो सकता है मशीन का कुछ वेरिएशन हो सकता है फ्लक्चुएशन कुछ हो सकता है ड्यू टू दैट यू कॉन्ट गेट एग्जैक्टली 50 mm डायमेंशन. माइट बी लाइक 49.99 हो सकता है या 50.01 हो सकता है या 51.08 हो सकता है. तो ये टॉलरेंस के बीच में रहना तो वो जॉब ओके. सपोज 49.9 के नीचे आ गए आप मशीनिंग करते समय पे
48 आ गया, ठीक है, जॉब रिजेक्ट, एंड 50.1 के ऊपर 50.5 आ गया, तो आप और 0.4 का मटेरियल है वो निकाल सकते हो। तो इसीलिए जो है ना डायमेंशन मेंशन जो किया है उसी के हिसाब से आपको जॉब को कट करना पड़ता है। इसीलिए जो है ना ड्राइंग रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइंग आप गलत रीड कर लिया और ड्राइंग को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो नहीं समझा और आपने पार्ट बना दिया ऐसे ही, और बाद में जो है ना क्वालिटी इंजीनियर एंड डिजाइन इंजीनियर एंड इंस्पेक्शन जो करते हैं, ओके, वो इंस्पेक्शन में जो है ड्राइंग का मैच नहीं हो रहा है वो जॉब को रिलेट करते हैं। तो आपको ड्राइंग के बारे में मालूम रहना चाहिए। तो ड्राइंग मालूम रहा तो क्या होता है कि कोई भी पार्ट आप बना रहे हो तो उस पार्ट का जो है ये जो ऊपर का प्लेन जो है वो पेपर है क्या, या रफ कितना है, फिनिश कितना है, और कहीं तो चिकजैक जैसा तो नहीं है, एकदम फ्लैट सरफेस है क्या, हर चीज़ को देखना पड़ता है। क्योंकि आप जॉब जो करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज आगे जाके वो असेंबली होने वाला है और अलग से दूसरा पार्ट के साथ मेट होने वाला है, एंड एक इंजन पार्ट बनेगा या कोई मशीनरी पार्ट बनने वाला है, और वहाँ पे वो फिटमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली तो वो जॉब रिजेक्ट हो सकता है और वो इंजन भी खराब हो सकता है, और इंजन में जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं बनेगा। तो आप जो बनाओगे ये आगे फ्यूचर में वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट के लिए वो पार्ट बनने वाला है, इसलिए आपको बहुत सीरियसली ड्राइंग को स्टडी करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल वन दिया है ये जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है हाफ सेक्शन का जो सिलेंड्रिकल जॉब है स्टेप टर्निंग के लिए, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना पोर्शन जो है ना इतना निकालना है। तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखना है, पहले तो ये जॉब इस तरह से रहेगा, यहाँ से दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज 0 0 एंड देन लाइक फिर यहाँ से टरेट से जो है ना टूल आ जाएगा, फिर यहाँ से ये इतना मटेरियल निकालना है, रफिंग ऑपरेशन में ये मटेरियल इतना निकालना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट दिस ब्लॉक यू टू रिमूव, देन सेकंड स्टेप ये सेकंड ब्लॉक से निकालेगा, फिर बाद में थर्ड ब्लॉक, इस तरह से स्टेप टर्निंग से इतना मटेरियल रफिंग ऑपरेशन में ये निकल जाएगा। जब इतना निकलेगा तो क्या होगा, ये जॉब रोटेट होता है तो इस तरह से स्टेप बनेगा ये टर्निंग सेंटर में। इधर से कट करेंगे तो क्या होगा, इधर का भी मटेरियल निकल जाएगा, ये भी दिस एंड दिस इज अ सिलेंड्रिकल जॉब, इट इज कंप्लीटली सिलेंड्रिकल जॉब, और ये एक्स जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, डायमेट्रिकल रहेगा ये, और ये 0 0 है, और ये साइड में जो है माइनस जेड रहेगा, और यहाँ से ये 0 से ये साइड में जो है प्लस जेड रहेगा, ऊपर की तरफ प्लस एक्स रहेगा, नीचे की तरफ माइनस एक्स रहेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे ऑटोकैड में जो है ड्राइंग, ऑटोकैड में रहा तो इस तरह से ड्राइंग बना के ले सकते हो, सो यू कैन लर्न द ऑटोकैड आल्सो एंड देन आगे फ्यूचर में जाके मास्टर कैन। तो ऑटोकैड में जो है ड्राइंग जो है बनाया हुआ है, ऑटोकैड में जो है और यहाँ पे भी एक सेक्शन बनाया है 1, 2, 3 यहाँ पे जो फिलेट है, बाद में यहाँ से स्ट्रेट है, फिलेट है, देन चाम्पर है, फिलेट है, चाम्पर है, तो इतना पोर्शन को कट करना है। तो ड्राइंग आपको इस तरह से दिखेगी, डायमेंशन तो इस तरह से दिया हुआ रहे, तो ये इसका जो है ना प्रोग्रामिंग बनाना रहता है। अभी ये जो दिख रहा है रेडियस चैम्पर, देन अगेन रेडियस, स्ट्रेट अगेन रेडियस, ओके, यहाँ से ये ऐसा आएगा, रेडियस रहेगा, स्ट्रेट आएगा, फिर रेडियस आएगा यहाँ से, फिर स्ट्रेट आएगा चैम्पर, एंड देन स्ट्रेट अगेन रेडियस, देन स्ट्रेट चैम्पर, एंड देन स्ट्रेट, और यहाँ से फिर इस तरह से। ये सिलेंड्रिकल जॉब है और ये मटेरियल इतना निकालना है, इधर से मटेरियल इतना सब निकलेगा। तो आपको ड्राइंग कैसे बनाने का वो आना चाहिए,
नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट द टूल पाथ जनरेटिंग. तो ड्राइंग समझ में आ गया तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है ना टूल पाथ जनरेट करने के लिए जी एंड एम कोड के बारे में सीखना पड़ेगा. तो हम आगे का सेशन में हम सब ये सीखने वाले हैं जी एंड एम कोड. जी इज द प्रिपरेटरी कोड, एम इज द मिसलेनियस कोड. टूल पाथ के बारे में सीखेंगे. पार्ट प्रोग्राम जी कोड एम कोड आ गया तो आप पार्ट प्रोग्राम कैसे बनाना है. लाइक पार्ट प्रोग्राम में आप जो है लाइक द मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, कैन साइकिल प्रोग्राम, वो सब हम कैसे बनाना है वो सब सीखेंगे. एक प्रोग्राम जो है फॉर एग्जांपल के लिए फेस टर्निंग करना है, इसका इसका कंप्लीट स्टार्ट टू एंड प्रोग्राम कैसे लिखना है तो उसको वो सीखेंगे. फिर प्रोग्राम बनाने के बाद जो है ना उसको एडिटिंग करना है, मॉडिफाई करना है, मशीन के ऊपर टाइप करके डालना है तो उसके लिए आपको टाइपिंग होगा आना चाहिए. तो प्रोग्रामिंग मशीन के ऊपर डालना है तो उसके लिए कंप्यूटर से में कैसे हम वर्ड में टाइपिंग करते हैं या ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वैसे जो है ना सीएनसी मशीन, फैनो कंट्रोल या सीमेंस कंट्रोल, हैश कंट्रोल, जो उसमें किस तरह से एडिटिंग करना है वो सब आना चाहिए. उसके बाद जॉब सेटिंग. तो जॉब सेटिंग इज द प्रैक्टिकल पार्ट में आएगा. तो आपको कोई भी मशीन पे जो है लाइक लेथ मशीन के ऊपर जॉब को कट करना है तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, जॉब सेटिंग सीखना पड़ेगा. जॉब सेटिंग के लिए क्या सीखना है, वर्कपीस जो है ना जॉब में कैसे फिक्स करना है, उसके बाद टूल का रेफरेंस कैसा लेना है, टूल को कैसे फिक्स करना है, इंसर्ट कैसे सेव करना है, ये हर चीज़ जो है ना जॉब सेटिंग में आता है. उसके बाद टूल सेटिंग के बारे में सीखना है, टूल्स क्या होता है, लाइक PCNLR 25x25 रेडियस 0.8 करके नोज रेडियस. तो टूल होल्डर में जो है ना लाइक बोरिंग बार का टूल होल्डर कैसा रहता है और कूविंग का टूल होल्डर कैसा रहता है, थ्रेडिंग का टूल होल्डर कैसा रहता है, मोटर डायमीटर के लिए हर ऑपरेशन के लिए जो है ना टूल सेटिंग करने को आना चाहिए, वो प्रैक्टिकल में आता है पार्ट. उसके बाद आप प्रोग्राम बना दिया और टूल भी लगा दिया, इंसर्ट भी जो है ना फिक्स कर दिया, हर चीज़ हो गया. उसके बाद जो है ना जब आप पहली बार प्रोग्राम को छोड़ते हो उसके बाद जो है ना एज पर द ड्राइंग जो है डायमेंशन एक्जैक्टली नहीं मिला है, प्लस है या माइनस है, तो उस समय में जो है ना टूल को ऑफसेट कैसा करना है, टूल को कैसे पीछे लेना है या आगे लेना है, या प्लस में कितना एमएम पीछे लेना है, माइनस में कितना लेना है, ये मालूम होना चाहिए. तो ऑफसेट सेटिंग में जो है टूल का सेटिंग करने के लिए ऑफसेट देते हैं तो 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 और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप इज प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. तो मशीन के ऊपर जो है ना प्रोग्राम को आप सारा एडिटिंग करने के बाद, टाइपिंग करने के बाद जो है ना उसको रन करना है तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को रन करना है. तो फिर मशीन जो है ना अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोग्राम विच यू फीडेड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल स्टार्ट कटिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट. इस तरह से सी एन सी प्रोसेस प्लान में जो है ना ये अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लीट जो है ना ड्राइंग कम्प्लीट प्रोसेस प्लान जो है ना ये 8 स्टेप्स आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने वाले हो. तो थियरी पार्ट सीखोगे अप टू प्रोग्राम एडिटिंग तक सीखोगे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. तो इतना पोर्शन जो है थियरी पार्ट में आएगा. दैट इज द रीडिंग अ ड्राइंग. देन हम जब कोई भी ड्राइंग लेके प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस ड्राइंग के बारे में बताऊंगा. उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जी कोड एम कोड प्रोग्राम कैसे लिखना है, प्लॉट प्रोग्राम कैसे बनाने का, फिर उसमें कुछ एडिटिंग करना है टाइप को उसको पे करना है. फिर जॉब सेटिंग एंड टूल सेटिंग, ऑफसेट सेटिंग, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, ये प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल के लिए आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर आके इसके लिए ऑनलाइन नहीं ले सकते. This can be theory, can part can be taken online. जो अगला एक महीना डेढ़ महीना तक में हम कंप्लीट करेंगे theory part. तो ऊपर का ये चार steps जो है वो theory में आता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, drawing reading, G code M code, coordinate system, part program कैसे करना है, lathe machine के लिए वो सब type सीखेंगे और program editing या modification, program में कैसे changes करना है क्या है वो हम paper पे कर सकते हैं. बट उसको फिर कंप्यूटर फैनो कंट्रोल में कैसे टाइप करना है और
और ऑपरेटिंग कैसा करना है, जॉब सेटिंग कैसा करना है, टूल सेटिंग कैसा करना है, ऑप्शन कैसा लेना है एंड प्रोग्राम को कैसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है. तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है. ठीक है, आर यू गेटिंग? यस सर. ओके.